हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं द 100 क्रिकेट के मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा बर्मिंघम फिनिक्स वर्सेस सदर्न ब्रेव के बीच में बर्मिंघम के एजबेस्टन स्टेडियम के अंदर 10 अगस्त को रात के 11 बजे से। और इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है फैन कोड के ऊपर। और अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो, आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करना मत भूलिएगा। वहां पे आपको द 100 के सभी मुकाबलों की फैंटेसी टीम में मिलने वाली है। आपको बस सर्च करना है द स्पोर्ट्स कॉप और जल्दी से मेरे को टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना है। अगर मैं आपसे बात करता हूं बर्मिंघम की पिच रिपोर्ट के बारे में, तो ये जो मैदान है ना, वो बल्लेबाजी करने के लिए काफी शानदार है। एक हाई स्कोरिंग मुकाबला हो सकता है। जो भी टीम टॉस जीतेगी ना, पहले गेंदबाजी करना प्रेफर करेगी इस मैदान के ऊपर। सबसे पहले मैं बात करता हूं बर्मिंघम फिनिक्स की टीम के बारे में, जो कि पहला मुकाबला हार चुकी है और टीम इस मुकाबले के अंदर ना वापसी करना चाहेगी। ये टीम अपने दो प्लेयर्स के ऊपर कुछ ज्यादा ही रिलाय करती है। सबसे पहले आते कप्तान मोइन अली। मोइन अली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टीम का, नंबर 3 बल्लेबाजी करेंगे। साथ ही में उनकी जो ऑफ स्पिन बॉलिंग है ना, वो भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाली है। मोइन अली को अच्छा करना पड़ेगा इस मुकाबले में। और दूसरे आते लियम लिविंगस्टन। लियम लिविंगस्टन इस टीम के सबसे अच्छे बल्लेबाज हैं। वो अकेले दम पे मैच बदलने की क्षमता रखते हैं। साथ ही में उनकी लेग स्पिन बॉलिंग भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो मोइन अली और लियम लिविंगस्टन का चलना बहुत जरूरी है इस टीम के लिए, अगर इस टीम को अच्छा करना है तो। इस मुकाबले में विल स्मिथ पिस्टल काफी शानदार खेले थे इस साल, T20 प्लस में भी काफी अच्छा खेले। विल स्मिथ पे ना अच्छी ओपनिंग देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है। मैथ्यू वेड देखने वाले बात होती है इस मुकाबले में, खेलते ही नहीं खेलते। अगर मैथ्यू वेड आएंगे ना इस मुकाबले में, तो वो बर्मिंघम के लिए काफी शानदार बात होने वाली है। अगर मैं बात करता हूं गेंदबाजी के बारे में, तो इमरान ताहिर कीपर फिर एक बार दारदार होने वाला है। लेग स्पिनर है, जेन्युइन विकेट टेकर है, पिछले साल भी काफी शानदार खेले, उनका एक्सपीरियंस काम आएगा। और केन रिचर्डसन भी काफी इंपॉर्टेंट है इस टीम के लिए। केन रिचर्डसन जैसे आपके प्लेयर हैं ऑस्ट्रेलिया के, अगर वो अच्छा करेंगे तो काफी शानदार बात होने वाली बर्मिंघम की टीम के लिए। तो बैनी हावल का ऑप्शन है, एडम मिल फिट हुए तो वो भी खेल सकते हैं। तो जरूर से देखते हैं बर्मिंघम कैसा खेलेगी इस मुकाबले में। हालांकि टीम पहला मुकाबला हार चुकी है और टीम इस मुकाबले को जीतने की पूरी पूरी कोशिश करना चाहेगी। अब मैं आपसे बात करता हूं सदर्न ब्रेव के बारे में, जिन्होंने पहले मुकाबले में वेस्ट फायर को काफी आसानी से हरा दिया था। और ये टीम ना लगातार अपना दूसरा मुकाबला जीतना चाहेगी। जेम्स विंस ने बहुत ही कमाल प्रदर्शन किया पिछले मुकाबले में, वो कप्तान है इस टीम के। T20 ब्लास्ट के अंदर भी काफी शानदार खेले थे। विंस का फॉर्म में होना इस टीम के लिए काफी शानदार बात है। क्विंटन डिकॉक भी ये मुकाबला खेल सकते हैं। क्विंटन डिकॉक अगर ओपन करेंगे ना विंस के साथ में, तो सदर्न ब्रेव के लिए बहुत ही कमाल बात होने वाली। तो जरूर से जेम्स विंस और डिकॉक का जो ओपनिंग पार्टनरशिप है ना, वो काफी बढ़िया खेल सकती है इस मुकाबले में। मिडिल ऑर्डर में इस टीम के पास मार्कस स्टॉइनिस है। स्टॉइनिस पिछले मुकाबले में नंबर 3 के ऊपर खेले थे। एक बहुत ही विस्फोटक ऑलराउंडर, तगड़ी बल्लेबाजी के अलावा वो गेंदबाजी भी काफी शानदार करते हैं। उसके अलावा टीम के पास टिम डेविड का भी ऑप्शन है। टिम डेविड पिछले 2-3 साल की मैं बात करता हूं, वन ऑफ द मोस्ट इंप्रूव T20 प्लेयर्स हैं। वो इस टीम के मिडिल ऑर्डर को काफी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फिर एलेक्स डेविस भी इस टीम के अंदर है। एलेक्स डेविस भी कुछ काफी कमाल कर सकते हैं। तो जरूर से इस टीम के पास कुछ बहुत ही कमाल के नाम है बल्लेबाजी में, जो अकेले अंदर पे मुकाबले पलट सकते हैं। इस वजह से सदर्न ब्रेव की जो बल्लेबाजी है ना, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। गेंदबाजी में क्रिस जॉर्डन ने पिछले मुकाबले के अंदर भी बहुत ही कमाल स्पेल डाला। एक स्पेशलिस्ट है व्हाइट बॉल फॉर्मेट के अंदर, कंटिन्यू करना चाहेंगे। क्रेग ओवरटन का स्पेल भी काफी शानदार था पिछले मुकाबले में। ओवरटन एक एक्सपीरियंस गेंदबाज बन चुके हैं, फिर विकेट निकालना चाहेंगे। और जेक लिंटॉट इस टीम के सबसे अच्छे स्पिनर हैं, पिछले साल भी काफी शानदार खेले और इस साल मेरे को काफी डिसेंट लगते हैं। पिछले मुकाबले में टिमल मिल्स और जॉर्ज गार्टन नहीं खेले, तो हो सकता है उन लोगों की वापसी हो जाए। तो सदर्न ब्रेव की बल्लेबाजी भी काफी शानदार है, गेंदबाजी भी काफी शानदार है। और ये टीम ना लगातार 2 मुकाबले जीतना चाहेगी। आप कमेंट करके बताओ मुकाबला कौन जीतेगा, वो टीम होगी सदर्न ब्रेव, वो टीम होगी बर्मिंघम फिनिक्स, बताओ मुझे कमेंट करके। और इस मुकाबले की फैंटेसी टीम आने वाली कुछ इनके ऊपर। तो मेरी पिक होने वाली है इस मुकाबले के अंदर सदर्न ब्रेव की टीम। मेरे को लगता है इनको जीत मिलेगी इस मुकाबले में और वो लगातार 2 मुकाबले जीत लेंगे इस साल के 100 में। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी चैनल को। इस तरह वीडियो देखने के लिए मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। याद रखिएगा, स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।